राजधानी रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कई बैठक कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का एक बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि हमारे प्रांतीय प्रभारी बिहार शासन में मंत्री नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ प्रवास है। 2 दिनों में विभिन्न बैठकें होंगी, आगे किस तरीके से कार्य करना है इसकी पूरी योजना बनेगी। वहीं कांग्रेस के 125 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह संविधान के किताब लहराते जरूर हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते। साथ ही इनके जो शीर्ष नेता हैं वो विदेश में जाकर देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं और यह पूरा देश देख रहा है कि यह केवल यात्रा निकालते हैं। ने कितनी यात्राएं निकाल रहे हैं ये? पहले तो बहुत न्याय यात्रा भी निकली इनकी, पहले सब कुछ यात्राओं में ही है ये। और जो कानून की ये लिए और तो किस कानून पर विश्वास रखते हैं, कितना संविधान पर विश्वास रखते हैं। संविधान की किताब जरूर लहराते हैं, लेकिन किस संविधानिक संस्था पर विश्वास करते हैं ये? चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं, जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक रहता है, जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम दोषी हो जाता है, चुनाव आयोग दोषी हो जाता है। ऐसी न्यायालयों के माननीय न्यायालयों का जहां निर्णय इनके पक्ष में आता है वहां न्यायालय अच्छा हो जाता है, जहां इनका विरोध में आता है वहां किस पर टिप्पणी नहीं किया इन्होंने। और एक तो सबसे जो बड़े नेता हैं इनके, वो तो अभी विदेश में जाके अपने देश का बहुत गुणगान कर रहे हैं, बहुत नाम बढ़ा रहे हैं। वो किस तरीके से देश के देशवासियों के मान और स्वाभिमान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और वो भी झूठ बोलकर। तो ये सारा कुछ सब जान रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से। और यात्राओं का तो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा कि यात्रा ही निकालते हैं, और इसके अलावा कुछ काम तो इन्होंने किया नहीं, न देश में करते हैं न छत्तीसगढ़ में।